जयपुर दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर स्लीपर बस में आग लगी। दिल्ली से जयपुर आते समय ये हादसा हुआ और बस में सवार दो यात्री आग में जिंदा जल गए। तो ये सड़क हादसा जयपुर से दिल्ली हाईवे पर हुआ है बड़ा हादसा। हाईवे पर एक स्लीपर बस जिसमें आग लग गई और दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रही थी ये बस जिस वक्त ये हादसा हुआ और बस में सवार दो यात्री हादसे में जिंदा जल गए। तो दो लोगों की जलकर मौत हो गई है। काफ़ी लोग हैं जो कि झुलस गए हैं। आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर यह घटनाक्रम हुआ। तो दिल्ली के धौलाकुआ से जयपुर की ओर आ रही सवारियों से भरी निजी बस में बुधवार रात को हाईवे पर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ यात्री बस से नहीं निकल पाए जिससे उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। गुरुग्राम फायर विभाग के उपनिदेशक गुलशन कालरा ने बताया कि उन्हें रात करीब 8:30 बजे दिल्ली जयपुर हाईवे सेक्टर 31 के साथ लगते फ्लाईओवर पर बस में आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने आग बुझाने के लिए तुरंत दमकलें रवाना की। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाम को वाहनों का जाम होता है, ऐसे में बचाव कार्य में दिक्कत भी आई। फायर विभाग और पुलिसकर्मियों ने बस से काफी संख्या में यात्रियों को सुरक्षित निकाला। आग इतनी तेज थी कि बस को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दो लोगों की जलने से मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। वहीं आग पर काबू पाने के बाद जब पुलिस ने बस को देखा तो उसमें दो कंकाल मिले। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आग के दौरान जयपुर की ओर जाने वाले हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम भी लग गया। वहीं बस में कुछ बच्चे भी थे जो आग की चपेट में आ गए, उन्हें तुरंत निजी अस्पतालों में भेजा गया। रात को हुआ ये हादसा। दिल्ली से जयपुर आ रही स्लीपर बस में भीषण आग लग गई और दो यात्रियों की इसमें जलकर मौत हो गई और कई लोग झुलसे भी हैं, इन अस्पतालों में पहुंचाया गया है। कई बच्चे भी उसमें शामिल थे बस में उस वक्त, जो कि इसमें हादसे में झुलस गए हैं, उन सभी को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच कर रही है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन बस पूरी तरह से जल गई है। आग कैसे लगी बस में उसका खुलासा अभी नहीं हो सका है, वो जांच का विषय है।